औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। परवरदिगार की बारगाह में शुक्र है कि ये तौफ़ीक़ नसीब हुई है कि इन सख्त हालात में भी मोमिन की खिदमत में इस तरह से हाज़िर हुआ जा सके। बहरहाल चूँकि लॉकडाउन की वजह से घर से रिकॉर्डिंग वगैरह के उमूर अंजाम पा रहे हैं, लिहाजा मुमकिन है कि क्वालिटी और दूसरे लिहाज से मुश्किलात हों। कभी कभी आवाज़ वगैरह जो आसपास के माहौल में है, बाज़ बरादरान का कहना था, लेकिन ये मजबूरी है। बहरहाल मजबूरी की बुनियाद पर कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर वक्त में रिकॉर्डिंग की जाए। कुरान मजीद की जिन आयात और उसके मातहत जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी वो है फ़ुरक़ान, यानी ये कि हक़ व बातिल में फ़र्क करने की तमीज़। सूरह बकरा की आयत और सूरह फ़ुरक़ान की आयत, इसी तरह इंशाअल्लाह बाद में और दीगर आयात जैसे सूरह आल इमरान और दीगर आयात को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इसमें परवरदिगार फरमाता है कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बाबरकत है वो ज़ात, मुबारक और बरकतों वाली है वो ज़ात जिसने फ़ुरक़ान को नाजिल किया अपने बंदे पर, लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, ताकि वो आलमीन के लिए नज़ीर बने। यानी आलमीन को, तमाम बशरियत को, तमाम इंसानों को उनके आमाल, उनके अक़ायद, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी, जो कुछ भी वो करते हैं, जो कुछ भी जो सोच फ़िक्र रखते हैं, उसके जो नताइज हैं उससे आगाह करें। अगर उसके अच्छे नताइज हैं तो अच्छे नताइज से आगाह करने का के अमल को बशारत कहते हैं कि वो भी कुरान में ज़िक्र है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए। और इंसान के अगर बुरे अफकार, बुरे आमाल और गलत और बातिल फ़िक्र और बातिल आइडियोलॉजी और बातिल अमल है तो उसके भी नताइज से आगाह करना, ये अल्लाह के इलाही इंसानों का काम है कि इस सिफत को कहते हैं नज़ीर। कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों सिफतें हैं, बशीर और नज़ीर। यहाँ पर कुरान के इस पहलू की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कुरान को फ़ुरक़ान के तौर पर नाजिल किया गया ताकि वो नज़ीर, ताकि ये नज़ीर बने। कुरान के ज़रिए से रसूलुल्लाह की ज़ात जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जिनको अब्द के नाम से पुकारा है कुरान ने, इस आयत में भी और इस सूरा में, इस आयत में भी और दीगर मकामात पर, कि ये बाला तरीन मकाम है एक इंसान का, यानी किसी भी इंसान का सबसे बड़ा मकाम जो है वो बंदगी और अब्दियत है। और ये कुरान जो है अल्लाह ने अपने अब्द पर नाजिल किया, कि इस मतलब की तरफ भी नज़ूल के अतबार से भी अब्द के ऊपर इशारा कुरान में मौजूद है। यहाँ पे वाज़ेह तौर पर आयत मौजूद है सूरह फ़ुरक़ान की, ताकि आगाह करें, ताकि वो लोग जो बातिल के रास्ते का इंतखाब करते हैं और बातिल सोच रखते हैं, बातिल आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, बातिल अमल अंजाम दे रहे हैं, वो अपने अमल के ख़तरात से और उसके नताइज से और उसके असरात से आगाह हों। और ये आगाही इसलिए है ताकि उससे अपने आप को पलटा सकें, उससे अपने आप को बचा सकें। यूँ इंसान को साल भर पलटने और वापस आने और अपनी ऐसी गलतियों के जिससे नुकसान हो रहा है उससे पलटने का मौका रहता है, लेकिन माह रमज़ान उसके लिए ख़ास है कि इंसान ज़्यादा फ़िक्र करे, ज़्यादा सोचे, ज़्यादा फ़र्क पैदा करे हक़ व बातिल में, हक़ सोच में, हक़ अमल में, हक़ आइडियोलॉजी में और उसके मुकाबले में बातिल सोच, बातिल अमल, बातिल आइडियोलॉजी, बातिल अफकार, इनके दरमियान में बेहतर तरीके से इंसान फ़र्क करे और कुरान के फ़ुरक़ान होने से फ़ायदा उठाए ताकि उन ख़तरात से अपने आप को और कभी कभी अपने आसपास के लोगों को और हत्ता एक इंसान ज़्यादा तासीर गुज़ार है और बड़े पैमाने पर है तो उसके अमल के ख़तरात जो पूरी कौम को लाहक होते हैं, यानी अच्छे अमल के आसार पूरी कौम को मिलते हैं बल्कि मुमकिन नस्लों तक जारी रहें। जैसे जो कुछ अम्बिया ने किया उसका असर नस्लों तक जारी है, जो कुछ ज़ात पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर औलियाए इलाही के ज़रिए से अंजाम पाया उसका असर नस्लों तक है। उस तरह इंसान जो है वो महदूद और गैर महदूद इंसान है माफ़ कीजिएगा। तो हर अमल के असरात से कुरान ने आगाह किया है और इसी को कहते हैं फ़ुरक़ान। तो हमारी बहस जो इसी में चल रही थी कि फ़ुरक़ान यानी हक़ व बातिल के दरमियान में फ़र्क करना, और इसमें हमारी बहस फ़िलहाल इस मरहले में दाखिल थी कि हम पूरी कायनात में और इस पूरे यूनिवर्स में हम जब निगाह करके देखते हैं तो तीन नज़रिए सामने आए थे। तीनों नज़रिए आपके खिदमत में पेश किए गए और उस पर जिस नज़रिए की जो मुश्किल थी वो बयान की गई और इलाही नज़रिया पेश किया गया कि इलाही इंसानों का इलाही और कुरानी और इस्लामी जो नज़रिया है वो ये है कि ये पूरी कायनात जो है वो हक़ खल्क़ की गई है, हक़ की बुनियाद पर, हक़ की तरफ से। परवरदिगार की ज़ात हक़ है, हक़ मुतलक़ है, एब्सलूट हक़ है, उसकी तरफ से ये कायनात खल्क़ की गई है और हक़ खल्क़ की, जो कुछ भी खल्क़ किया गया है वो सब के सब हक़ खल्क़ किया गया है। और अगर बातिल कहीं पर नज़र आ रहा है, चूँकि है बहरहाल ज़ाहिर, ये इससे इनकार तो नहीं कर सकता इंसान, बातिल नज़र आता है, बातिल लोग नज़र आते हैं, बातिल अफकार नज़र आते हैं, तो उनका वजूद ज़ाती नहीं है, उनका वजूद असली नहीं है, बातिल का वजूद असली नहीं है, बल्कि बातिल जो है वो एक साए के मानिंद है, हक़ का वजूद जो है वो असली वजूद। ये बहस हो चुकी है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत ताबीर है शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह की, खुदा इस अज़ीम शहीद पर बेपनाह रहमत नाज़िल फ़रमाएँ और अपने अज़ीम औलिया के साथ महशूर फ़रमाए जिन्होंने आकर अज़ीम तरीके से इस्लाम को और इस्लाम के अफकार को पेश किया। बहुत ही खूबसूरत ताबीर उनकी है कि असल कायनात, पूरी कायनात की खिलकत जो है वो अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरानी आइडियोलॉजी वो इस्लामी आइडियो, बहुत ही लतीफ़ और बहुत ही खूबसूरत ये मतलब है कि हर चीज़ को अल्लाह के नाम से शुरू करना। कि इसकी बहस कुरान की तफसीर में होती है कि कुरान के एक सूरा छोड़कर बाकी सारे सूरे जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होते हैं। वो अलग बात है कि बाज़ लोग उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते कि एक गिरोह जो है वो हर सूरे के बिस्मिल्लाह को उसका जुज़ समझता है और एक जुज़ नहीं समझता। जब कभी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह की तफसीर की बहस हो चुकी है कभी, लेकिन कभी अगर तफसील से होगी तो वहाँ पे अर्ज़ किया जाएगा और मुफस्सल है, यानी बहुत ही अहम है। लेकिन यहाँ पर जो असल पहलू है वो ये है कि जिस नुक़्ते को शहीद बुज़ुर्गवार बयान फरमाते हैं वो ये कि सन खिलकत, ये तो तमाम चीज़, तमाम उमूर बिस्मिल्लाह से होना चाहिए, हर अमल भी इंसान का बिस्मिल्लाह से होना चाहिए और उस बिस्मिल्लाह के से होने से उसमें वो रूहानी पहलू अमल में पैदा हो जाता है, इलाही पहलू पैदा हो जाता है और उसमें बका पैदा हो जाती है। अमल छोटा भी हो लेकिन वो बड़ा हो जाता है, अमल हमारी निगाहों में मामूली भी हो लेकिन फ़रिश्तों की निगाह में और अल्लाह की निगाह में अजीम हो जाता है। और कितना भी बड़ा अमल ज़ाहरी तौर पर अंजाम दिया जाए लेकिन अगर उसका रंग इलाही रंग नहीं हो तो वो बहुत ही मामूली। और ताबीर में है कि कुल्लो अमरिन ज़ीबाल लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अबतर, हर अहम अमल जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो दुमुरीदा है, उसका अंजाम नहीं है, उसकी आकबत नहीं है, वो है ही नहीं, वो ख़त्म है। वो उसका एक अपना अलग फ़लसफ़ा है कि कोई भी चीज़ अगर उसमें इलाही रंग पैदा ना हो तो वो बाकी रहने के लायक नहीं, बाकी नहीं रहती है। एक मुद्दत होती है, एक ज़मान होता है, एक मकान होता है, एक वक्त के लिए होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी अमल में इलाही रंग पैदा हो जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहती है कि ये बहस हो चुकी है कहीं पर, अभी यहाँ पर नहीं की जाती है। लेकिन बिस्मिल्लाह के लफ्ज़ जो आम तौर से लोग मामूलन बस यूं ही कह के गुजर जाते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह दर हकीकत हर अमल के आगाज़ के लिए है। और पूरी खिलकत जो है वो भी जो कलमा है वो ये है कि अल्लाह ने वजूद को खल्क़ किया। ये ताबीर जो है इसी शहीद बुज़ुर्गवार की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह के ज़रिए से, यानी बिस्मिल्लाह के ज़रिए से खिलकत का आगाज़ किया। बस बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से, अल्लाह का नाम वो भी दो सिफ़तों के साथ, रहमत और रहमानियत के साथ। और ये पहलू ख़ुद ब खुद फिर बहुत ही हसीन हो जाता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो रहमत और रहमानियत के साथ शुरू होती है तो उसका वो हसीन है, वो ख़ूबसूरत है। यानी इस पूरी कायनात की खिलकत का हक़ होना इसलिए है कि हक़ की तरफ से है और अल्लाह के नाम से है, और अल्लाह का नाम वो भी रहमत और रहमानियत के साथ। ज़हरल वजूदो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजूद ज़ाहिर ही हुआ है, वजूद आया है, खिलकत हुई है, वजूद ज़ाहिर हुआ है अल्लाह के नाम से। अल्लाह का नाम वो भी जो रहमत और रहमानियत, ना कि उसके कहर के साथ, ना कि उसके सख्ती के साथ, उसके अज़ाब के साथ, बल्कि रहमत के साथ और रहमानियत के साथ। बस जो भी चीज़ रहमत और रहमानियत के साथ शुरू होगी वो बहरहाल हसीन होगी, वो बहरहाल ख़ूबसूरत होगी, उसका रंग जो है वो ख़ूबसूरत रंग होगा। जो कुरान में सूरह बकरा में जिसकी तरफ इशारा है कि रस्बगत अल्लाह, इलाही रंग, अल्लाह का रंग, व मन अहसनो मिन अल्लाह सिबगतन, ये इंसानी अमल के लिए भी है और पूरी हर चीज़ के लिए, पूरी खिलकत के लिए भी है कि इस अल्लाह के रंग से ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत रंग और कौन सा रंग हो सकता है, किसका रंग हो सकता है। कोई भी रंग इलाही रंग से ज़्यादा ख़ूबसूरत नहीं है। और इलाही रंग जो है जब खिलकत में आकर देखा जाए तो ये पूरी खिलकत जो है वो हक़ है और उस पर रहमत का साया है। हत्ता कि जो गज़ब है, अगर अज़ाब है, अगर गज़ब है तो वो भी रहमत के साए में है। इसका एक इशारा किया गया, ये बहुत एक ख़ूबसूरत ताबीर है हमारी तालीमात में, इस्लामी तालीमात में, कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर भी गालिब है। या मन गलबत रहमतहू गज़बा, या मन सबक़त रहमतहू गज़बा, ऐ वो ज़ात की जिसकी रहमत सबक़त रखती है, यानी आगे आगे है। गज़ब उसके मातहत है, कहर उसके मातहत है। तो इस एतबार से ये पूरी कायनात जो है वो बहुत ही हसीन और बहुत ही ख़ूबसूरत हो जाती है। हत्ता ये जो कभी ज़िक्र होता है, मुमकिन है ये बात थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए सख्त हो, अलबत्ता बाज़ वक्त इशारा इसका किया गया है, लेकिन मुमकिन है कि सामीन जो है वो नए हों कि मसलन अल्लाह का गज़ब कैसे रहमत हो सकता है, अल्लाह का अज़ाब कैसे रहमत हो सकता है, या जहन्नम कैसे रहमत हो सकती है। या अब ये लफ्ज़ जो है थोड़ा इस्तेमाल करने में लोग परेशान हो जाएंगे कि खिलकत में जो शैतान है उसका क्या मरला होगा। तो असल मतला ये है कि अजीज़ों, गज़ब इसलिए नहीं है कि अल्लाह इंसान पर गज़ब करना चाहता है, अज़ाब इसलिए नहीं कि अज़ाब करना चाहता है। जहन्नम को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया है, जैसा कहा भी गया पहले, कि इसलिए नहीं बनाया कि उसमें इंसानों को डाला जाए, बल्कि जहन्नम इसलिए है कि इंसान की तरबियत के लिए जहाँ रहमत का पहलू लाजिम है, वहीं पर कुछ लोग वो होते हैं जो रहमत की कदर नहीं कर पाते, तो वो गज़ब के ज़रिए से जो है उनकी तरबियत होती है। दरहक़ीक़त ये तरबियत के लिए है। इसीलिए आप कुरान में जब आप देखते हैं तो कुरान में ये सूरह रहमान में, चूँकि सूरह रहमान जो है वो अल्लाह की मुसलसल नेमतों का ज़िक्र है, और नेमतों के 1, 2, 3 नेमतों का जिक्र कर करके अलग अलग आयतों में, किसी आयत में 1 नेमत, किसी आयत में 2 नेमत, इस तरह हर नेमत जिक्र कर करके फिर फ़ौरन जो है 1-1 आयत बाद, 2-2 आयत बाद यह आया है, मतलब कि फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अल्लाह की किन किन नेमतों से इनकार करोगे। नेमतें अल्लाह की रहमत का मज़हर है। फ़बई आलाई रब्बी कुमा तो ज़बान, अल्लाह की किन नेमतों से इनकार करोगे। अब जब यहाँ पर सारी अल्लाह की नेमतें ज़िक्र हो रही हैं तो उन्हीं नेमतों के दरमियान में आज फिर मैं एड्रेस देखना भूल गया था, इंशाल्लाह आप देख लेंगे। और सूरह रहमान पढ़ें, अच्छा है। सूरह रहमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा तासीर गुज़ार सूरा है, बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी पे असर करता है। आयत यह है कि हाज़िही जहन्नमुल्लती युकद्दबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है कि जिसका मुजरिमीन इनकार करते थे। और ये तूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दबान। अब जहाँ पे अल्लाह की सारी नेमतों का ज़िक्र है, अल्लाह की अर्रहमान, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान, इस तरह जब मुसलसल जहाँ नेमतें ज़िक्र हो रही हैं, या सूरज और चाँद और तरह तरह की दीगर नेमतें, फल मेवे दरख्त, इस तरह की नेमतों के ज़िक्र के दरमियान में, उसी दरमियान में कुरान क्या कहता है, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकद्दिबु मुजरिमून, ये जहन्नम, यहाँ पर जहन्नम का ज़िक्र आ गया। लिए ये आयत जो है सामने आ भी गई। इससे पहले जो आयतें देखें वो क्या बयान हो रही हैं, इसके पहले मसलन शुरू होती है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमुल बयान अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नजम वश्शजर यसजुदान वस्समा रफ़अहा वज़ाल मीज़ान, ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे, फिर और आगे बढ़कर वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ज़मीन को फर्श को बिछाया अनाम के लिए, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़लु ज़ातुल अकमाम, इसमें मेवे हैं फल हैं, खजूर के ख़ासकर खजूर का ज़िक्र अलग से किया गया, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़े वर्रहयान, मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज दाने हैं। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अल्लाह की किन किन नेमतों से इनकार करोगे। फिर इंसान की खिलक़त का ज़िक्र, और फिर बहर और समंदर और दीगर उमूर को अंजाम बयान करते करते कुरान बयान करता है कि एक बहुत बीच में और मतलब इससे पहले, इस आयत के पहले, जहन्नम वाली आयत से पहले, ये कि क़यामत के दिन वो होगा कि जिस दिन इंसान से पूछा नहीं जाएगा कि तुमने क्या गलती की, तुम हक़ पर थे या बातिल पे थे, हक़ व बातिल के फ़र्क को समझ पाए थे कि नहीं समझ पाए थे, बग़ैर समझे थे या नादानी में थे या जानबूझकर बातिल के रास्ते पे थे या समझकर हक़ के रास्ते पे थे। हर चीज़ की अपनी अहमियत है। बग़ैर समझे हुए इंसान अगर हक़ पर है तो बहरहाल अहम है, लेकिन उतना ज़्यादा कीमती नहीं जितना इंसान हक़ को हक़ समझकर उस पर रहे। इसी तरह अगर इंसान बातिल पर, बग़ैर समझे हुए बातिल पर है तो इसके अज़ाब में कुछ कमी हो सकती है, चूँकि नहीं समझा है, नादान इंसान है। लेकिन इंसान बातिल को बातिल समझ के अगर बातिल पर रहे तो वो ज़्यादा सख्ती के बायस उसके असरात ज़्यादा बुरे होंगे, लिहाजा वहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम वयूख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। उस दिन इंसानों को उनकी पेशानियों से पहचाना जाएगा, यानी सब कुछ उनके वजूद पर ज़ाहिर होगा। वो जिस राह में ज़िंदगी गुजारी, हक़ की राह में या बातिल की राह में, वहाँ ज़बान से कुछ नहीं कहना होगा। और भी ये मतलब सूरह यासीन में इसका ज़िक्र है कि सवाल नहीं किया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर यह है कि इंसान को उनकी पेशानियों से, उनके चेहरों से पहचाना जाएगा, उनकी पेशानी से उन्हें पकड़ा जाएगा। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ये तो पकड़ा जाएगा, और इसमें कौन सी नेमत है जिसका जिक्र हो रहा है। फिर कुरान का फ़बअय्यि आलाइ, अल्लाह की किन नेमतों से इनकार करोगे। और उसके बाद फ़ौरन फरमाया कि हाज़िही जहन्नमुल्लती युकद्दिबु बिहल मुजरिमून, यही जहन्नम। जहन्नम का जिक्र सूरह रहमान में, रहमतों के सूरह में, नाम भी इसका रहमान रखा गया। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, और उसके बाद वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, ये दूसरा पहलू है। और यहीं से वो मतलब भी निकल जाता है कि जहन्नम, ज़ाहरी तौर पर जहन्नम अज़ाब है। जो लोग जहन्नम के लायक बन जाएंगे, जो लोग जहन्नम में जाके रहेंगे, जिनका खुदा न खास्ता ठिकाना होगा कि खुदा न करे, अल्लाह जो है महफूज रखे और इंसानों को वो तौफ़ीक दे, वो हक़ व बातिल के दरमियान में फ़र्क करने की तौफ़ीक दे तमाम इंसानों को, कि वो अपने आप को जहन्नम से बचा सकें, जहन्नम के अज़ाब से बचा सकें। ये कुरान अल्लाह की किताब ये हुदन लिन्नास बन सके ताकि पूरी बशरियत अपने आप को जहन्नम से बचाए। चूँकि अल्लाह वाक़न अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में नहीं चाहता, लेकिन जो लोग नहीं कर पाएंगे और जहन्नम उनका ठिकाना व मावाहुमुन्नार, जिनका ठिकाना जहन्नम होगा, उनके लिए वाक़ई ये चीज़ अजाब होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह की ज़ाहरी तरबियत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के अम्बिया और किताबों के ज़रिए से इतनी ज़्यादा हिदायत नहीं ले पाते, बल्कि जहन्नम के खौफ से हिदायत के रास्ते पे चलते हैं, जहन्नम के खौफ से हक़ के रास्ते पर चल रहे होते हैं। जहन्नम का खौफ उन्हें मजबूर करता है। इसी माह रमज़ान में बहुत सारी दुआएं हैं जहाँ पे पढ़ा भी जाता है कि वाक़न आसान मसला तो नहीं है। एक आम इंसान तो ये नहीं कह सकता कि सबर तो अला अज़ाब का फ़कैफ़ अस्बिर अला फ़िराक़, ये तो अमीरुल मोमिनीन की ज़बान कह सकती परवरदिगार हम तेरे अज़ाब पे सब्र कर सकते हैं लेकिन तेरी जुदाई पे सब्र नहीं कर सकते। लेकिन कमज़ोर लोग वो तो नहीं सब्र कर सकते जहन्नम के अज़ाब पर, जो थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो क्या करेंगे। लेकिन यही जहन्नम का अज़ाब इंसान को बहुत सारे बातिल रास्तों पर जाने से रोक देता है और हक़ के रास्ते पर गामज़न करता है। तो वो लोग जो जहन्नम के खौफ से हक़ के रास्ते पे आ रहे हैं, उनके लिए जहन्नम अज़ाब है या जहन्नम नेमत है। जहन्नम उनके लिए क्या बनती है, यानी जिन लोगों ने सिर्फ जहन्नम के खौफ की वजह से अपने आप को राह हक़ पे गामज़न रखा है। अभी इस माह रमज़ान में जो लोग सिर्फ जहन्नम के खौफ की वजह से रोज़ा रख रहे हैं, यानी अल्लाह की रहमत की वजह से नहीं रख रहे हैं, अल्लाह की बंदगी में नहीं रख रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये कि परवरदिगार चाहता है इसलिए नहीं रख रहे हैं बल्कि जहन्नम के खौफ से रख रहे हैं, तो फिर उनके लिए ये हक़, रोज़ा ख़ुद हक़ है, ये जहन्नम उनके लिए नेमत बन रही है कि उनको राह हक़ पर गामज़न रखे हुए है। और इसीलिए सूरह रहमान में जहन्नम का ज़िक्र हो रहा है। और इस एतबार से उसकी खिलकत भी क्या हुई, खिलकत हक़ है पूरी कायनात, यानी वो जो निगाह रखते तो नहीं बातिल और हक़ मिला हुआ है, नहीं, ये जो चीज़ें आपको बातिल दिख रही हैं उसमें भी हक़ का पहलू छिपा हुआ है, जो चीज़ें आपको अज़ाब दिख रही हैं उसमें भी अल्लाह की रहमत का पहलू छिपा हुआ, क्योंकि उसके ज़रिए से वो तरबियत कर रहा है, इंसानों की तरबियत हो रही है। इसीलिए ये ताबीरात है, रवायतों में भी है, वसीयतों में भी है, आइम्मा की वसीयतों में है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान और तहरीर से है कि अन्नल जन्नत हक़्क़ुन वशहदु अन्नल जन्नत हक़्क़ुन व अन्नन नार हक़्क़ुन, कि मैं ये गवाही देता हूँ कि जन्नत हक़ है, नार हक़ है, जहन्नम हक़ है। यानी उसका अज़ाब होने के बावजूद भी फरमाया कि मैं ये गवाही देता हूँ कि हक़ है, जो उसकी खिलकत हक़ है, हक़ की तरफ से खल की गई है। लिहाजा ये ताबीर की असल पूरी खिलकत का दो चेहरा है। ये कुछ शहीद बुजुर्गवार की ताबीर है। इस पूरी कायनात की खिलकत का दो चेहरा है। एक चेहरा ये कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, बस हक़ है, और दूसरा चेहरा ये कि सब कुछ अल्लाह की तरफ पलट रहे हैं, जो कुरान के एक छोटे से जुमले में खुलासा होता है, ये अज़ीम मतलब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की तरफ पलटना। तो हक़ की तरफ से है, हक़ की तरफ पलट रही पूरी कायनात। तो ये कायनात इस तरह से हक़ हुई। और ये सब कुछ जो कुछ है, कहर व गज़ब, ये सब भी दर हकीकत इंसान की तरबियत के लिए है। तरबियत जो है, तरबियत में जिस तरह रहमत लाजिम है, उसी तरीके से कहर व गज़ब भी लाजिम। जिस तरीके से एक माँ बाप जो है वो बहुत ही रहमदिल और बहुत ही मेहरबान होना ज़रूरी है बच्चों की तरबियत के लिए, वहीं पर लाजिम मौके पर एक मुनासिब हद तक जो है वो कहर भी लाजिम है। अब ये पहले इशारा किया कि बाज़ लोग कहर ज़्यादा करते हैं, और जो लोग खुद शायद अपने घरों में कहर ज़्यादा करते हैं वो अल्लाह के कहर को भी ज़्यादा पेश करते हैं, अल्लाह की रहमत को इतना ज़्यादा पेश नहीं करते, अल्लाह की रहमानियत को पेश नहीं करते। कुरान यहाँ से इस तरह नहीं शुरू होता कि अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर कहार, बिस्मिल्लाहिल जब्बार, बिस्मिल्लाहि ज़ुन्तक़ाम, यहाँ से नहीं शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो कहर करने वाला है। लेकिन बाद लोग अपनी तकरीर शुरू ही करते हैं यहाँ से, कहर से, और कहर पे ख़त्म करते हैं। घरों में भी ये माहौल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कहर के ज़रिए से तरबियत हो कि इंसान को सिर्फ डांट कर, सिर्फ कहर के, सिर्फ सख्ती के ज़रिए से अपने बच्चों की तरबियत करे। बल्कि असल तरबियत जो है, अगर वो इलाही तरबियत के असूलों को इंसान समझता है कि इंशाल्लाह ये एक बहुत ही अहम मौजू है और इस पर गुफ्तगू की ज़रूरत है और गुफ्तगू की है बुज़ुर्गान ने, इंशाल्लाह अगर तौफीक हुई तो कभी हम भी मोमिन की खिदमत में गुफ्तगू करें कि अल्लाह जो है अपनी रहमत के ज़रिए से तरबियत कर रहा है, अपनी रहमानियत के ज़रिए से कर रहा है, अपने करम के ज़रिए से कर रहा है, ऐब को छिपा रहा है, सत्तारुल अयूब है। ये तरबियत है, यानी इंसान के अगर ऐब ज़ाहिर होते चले जाएँ तो इंसान बुराइयों की राह पे चल पड़ता है, तो ऐब देखकर ऐब को छिपा रहा है। दुआ इख्तिताम ये बहुत ही खूबसूरत जुमला पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला हिल्मिही बादा इल्मिह, परवरदिगार की हमद है इस बात पर कि वो सब कुछ जानते हुए वो हलीम है, वो सब कुछ देख रहा है लेकिन सब कुछ छिपाए हुए है, ज़ाहिर नहीं कर रहा है, इजहार नहीं कर रहा है, फ़ौरन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। जबकि हर अमल का असर आएगा कि कोई भी अमल बगैर असर के नहीं रहने वाला है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हलीम है। ये इंसान को मौके दिए जाते हैं कि अपने अमल के असरात को, वो अच्छे असरात को बढ़ाता चला जाए या बुरे असरात को ख़त्म करे। चूँकि अल्लाह की ज़ात हलीम है, हिल्म के ज़रिए से मौका मिला हुआ कि इंसान मिटा दे। अगर खुदा न खास्ता अपनी कमज़ोरियों के बुनियाद पर कोई बातिल राह पर इंसान चल भी गया या हक़ व बातिल को नहीं पहचान पाया है, दीन के नाम पर बातिल में पड़ा हुआ है, दीन का नाम भी ले रहा है और गुनाहों में और बातिल रास्तों पर लोगों को दावत दे रहा है बाकायदा तौर पर और हक़ से रोक रहा है, तो अल्लाह जो हलीम है, अल्लाह की ज़ात हिल्म वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अला हिल्मिही बादा इल्मिह, वो हिल्म करता है ताकि इंसान को मौका मिले कि जब भी इंसान मुतवज्जह हो बातिल रास्ते को छोड़कर हक़ रास्ते पर आ जाए। लेकिन असल तरबियत जो है अल्लाह की, वो रहमत के ज़रिए से है और उसकी रहमानियत के ज़रिए से है, उसकी रहीमियत के ज़रिए से है। लेकिन लाजिम है कि कुछ लोग वो हैं कि जो रहमत की ज़बान को नहीं समझ पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो करम और लुत्फ़ की ज़बान को समझते ही नहीं वहाँ पर फिर भी उनको छोड़ा नहीं जाता, फिर भी उनको उनकी तरबियत की फिर भी रास्ते फराहम है कि कहर के ज़रिए से, अजाब के ज़िक्र के ज़रिए से और जहन्नम के ज़रिए से तरबियत हो। और इस सूरत में अगर वो तरबियत हो रही है तो इस सूरत में उसका पहलू जो है वो रहमत का पहलू हो जाता है। और ये सिलसिला होना चाहिए, बच्चों में भी होना, वालदैन भी होना चाहिए, अपने घर के माहौल तक और बड़े पैमाने पर जिन लोगों का काम तरबियत का है, जितने बड़े माहौल में, कोई एक मोहल्ले में है, कोई एक शहर में है, ख़ासकर हाकिमों में है। अब ये बात थोड़ा शायद आज के दौर में ऐसे हाकिम देखने में मिलते हैं जिसको आमतौर से लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हाकिमों में ये सलाहियत होना चाहिए कि वो आकर कौम की तरबियत करें, हिल्म के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से, रहमत के ज़रिए से। और वहाँ पर हाँ ठीक है, एक पहलू जो है वो ऐसे लोग जो शरीर लोग हैं, जो शरपसंद लोग हैं, जो अलल-एलान जुर्म करते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी को ख़तरात में डालते हैं, वहाँ पर एक कहर की ज़रूरत है, गलबे की ज़रूरत है। लिहाजा ये होता भी है कि शायद रहमत तो बहुत कम दिख रही हो हमारे मुल्कों में, लेकिन वो कहर वाला पहलू दिख रहा होता है, वो कभी पुलिस की शक्ल में, कभी खुद सियासतदानों की शक्ल में, कभी उनके फ़ैसलों की शक्ल में, वो कहर का कहर ज़ाहिर हो रहा होता है। अब ये तरबियत के गलत उसूल दिख रहा होता है। या स्कूलों में, मदरसों में असातीद, टीचर्स जो है वो रहमत का पहलू कम दिख रहा होता है हमारे अपने माहौल में, वरना आम तौर से नहीं ऐसा है। यानी जबकि चाहिए कि एक उस्ताद में, एक टीचर में, चूँकि उस्ताद के काम तो ये नहीं कि उसको डाटा जो है मुंतकिल करे, और अगर यही करना है तो वो जो है मीडिया के ज़रिए, दीगर ज़रिए से पढ़ सकता है, असल में उसकी तरबियत भी करना है तो वो रहम के ज़रिए से तरबियत करें। हाँ, लेकिन उस रहमत में एक हद तक, जायज़ हद तक, जहाँ तक जायज़ है, वो नहीं कि उसकी हदें भी कितनी हों। कुरान ने आकर हत्ता जंग के मैदान में भी कहा है कि एक हद तक सिर्फ आगे बढ़ सकते हो, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, जो लोग तुमसे जंग करने आए उनसे तुम जंग करो, लेकिन वला तातदो, लेकिन देखो हद से तजावुज़ नहीं करना, क्योंकि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। बस इस तरह पूरी कायनात के बारे में हम गुफ्तगू यहाँ पे समेटते हैं और इसके बाद वाले मरहले में दाखिल होते हैं कि इस पूरी कायनात के बारे में जो मनफी निगाह है, नेगेटिव सोच है लोगों की, वो कि कायनात में बातिल ढूंढ रहे होते हैं और बातिल को तलाश कर रहे होते हैं। असल पूरी कायनात की खिलकत वो अल्लाह की तरफ से है और रहमत के साथ है और रहमानियत के साथ है। और जहाँ कहीं सख्ती और अजाब दिख रहा है उसमें भी एक पहलू जो है वो रहमत का पहलू पाया जाता है। हत्ता अब एक बहस है जो यहाँ पर नहीं है, शहीद बुजुर्गवार ने भी उसको दूसरी जगह पर बहस की है। इंशाल्लाह अभी यहाँ पे बहस छोड़ने की पूरी लंबी बहस है, जैसा कि 2 दिन पहले हमने कहा भी था कि उसका इशारा कर देंगे। इंसान खुद पढ़ना चाहे जाके पढ़ सकता है जिनको शौक़ है, कि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान देखता है, कभी ज़लज़ला है, कभी तूफ़ान है, कभी सैलाब है, कभी और दूसरी मुश्किलात हैं, कभी जो है बीमारियाँ हैं, जैसे भी ये कोविड-19 कोरोना की बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है, कि अजीब व गरीब है। वाकई मुश्किलात में इंसान है, वाकई इंसान को यहाँ पर आकर सोचना चाहिए कि क्या ऐसा अमल अंजाम दिया गया, क्या हुआ है इस दुनिया में जिसके नतीजे में यहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ें होती हैं तो इंसान सिर्फ उस पहलू को देख रहा होता है, लिहाजा वहाँ पर सिर्फ वो तारीख दिख रहा होता है, सिर्फ उसका तारीख पहलू देख रहा होता है, लेकिन उसके मुस्बत पहलू को नहीं देख रहा होता है। अभी चंद दिनों पहले एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे ख़ुद इसी कोरोना वायरस के बारे में, किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा फ़वायद गिनाए थे। अब ये थोड़ा आप सुनने वालों के लिए शायद अजीब हो कि कोरोना वायरस ने आकर जिसको पूरी दुनिया को इस तरह लॉकडाउन कर रखा है, सारा इक़्तिसाद, समाजी अमूर, हत्ता दीनी अमूर जो है वो सब इस तरह महदूद हो गए हैं। घरों के अंदर इंसान महदूद हो गया है, मुश्किलात में है लोग, फिर वहाँ पर कहाँ पर खैर दिख रहा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शुमार किया था कि बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारे जराइम अभी नहीं हो रहे हैं, जराइम की तादाद बिल्कुल कम हो गई है, बहुत सारी बेहयाइयाँ जो हुआ करती थी सरेआम वो ख़त्म हो गई, बहुत सारे बेहयाई के मराकज़ जो है वो सब के सब बंद पड़े हुए हैं। यानी बहुत सारे दीगर पहलू भी हैं, अलबत्ता इसको शुमार करें तो बहुत सारे पहलू निकलते हैं, यूँ कि नेचर में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन में क्या हो रहा है, समंदरों का क्या हाल है, शहरों का क्या हाल है, शहरों की फ़िज़ा का क्या हाल है, ये सब जो है वो तो असर है ही है, लेकिन और भी बहुत सारे असरात हैं, मादी एतबार से भी और मानवी एतबार से। और ये कि सबसे बड़ा असर यह कि इंसान मुतवज्जह होना चाहता है, जो चाहे अलबत्ता अपनी कमियों की तरफ, अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जह हो रहा है, इबादत बेहतर तरीके से कर रहा है, इंसान का रब्त अपने परवरदिगार से बेहतर तरीके से हो रहा है। खूब ये सारे पहलू भी हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ इसकी एक ही बहस नहीं करते। ये पूरी कायनात और पूरी खिलकत में वो चीज़ें जो आम इंसान को कहीं ये नज़र आती, कहीं ये बातिल तो नहीं है कि इंसान यतीम हो जा रहा है, कि इंसान जो है वो यूँ ही उसकी जान चली जा रही, तो ऐसा क्यों है। तो उसका एक पहलू देखें, इस पर हमें गुफ्तगू नहीं करना। अगर इंसान को जाके तफसील से पढ़ना इंशाल्लाह अगर तौफीक तो कभी एक पूरे अशरे में या शायद उससे भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़े, अदल इलाही के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अभी अगर किसी को ज़रूरत है तो जाकर इसी शहीद बुजुर्गवार शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अदल इलाही, जो डिवाइन जस्टिस के नाम से इंग्लिश में भी मौजूद है और मुतअद्दिद ज़बानों में मौजूद है, उसका मुताला कर सकता है। वहाँ पर आकर बहुत ही मुफस्सल और अक़ली लिहाज से, ये नहीं कि खाली आस्था के तौर पर मनवाया जाए, अक़ीदत के तौर पर कहा गया नहीं भैया अल्लाह ने कहा तो हतमन आपको मानना पड़ेगा, इस तरह नहीं, बल्कि बहर जो अल्लाह के बंदे उनके लिए मुश्किल नहीं इसे मानने में, लेकिन यह कि अक़ली तौर पर ताकि सबको समझ में आए और हिकमत के तौर पर इन सारी बहसों को वहाँ पर जवाब दिया गया है और समझाया गया है। सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि बाकायदा समझाया गया है। हम यहाँ पर सिर्फ एक इशारा कर सकते हैं कि चूँकि हमारी बहस ये पूरी कायनात हक़ है और उसमें अगर कहीं बातिल का नमूद है, बातिल कहीं अगर ज़ाहिर हो रहा है और नुमाइश करता हुआ दिख रहा है तो फ़कत साए के तौर पर नुमाइश कर रहा है, वरना हकीकत बातिल की नहीं है और बातिल बाकी रहने वाला भी नहीं है। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं ये सब सारी चीज़ें दिख रही हैं तो दर हकीकत ये ऐसा ही है कि जैसे ये पूरी कायनात जो है वो इसको एक ड्राइंग के तौर पर, ये मिसाल भी ख़ुद शहीद की है, एक ड्राइंग के तौर पर इस पूरी कायनात को फ़र्ज़ करें। अगर यूँ आप स्याह रंग को देखें तो शायद स्याह रंग आपको अच्छा ना लगे। मसलन एक कमरा हो, पूरा कमरा तारीख नज़र आ रहा हो तो पूरा कमरा स्याह कर दिया जाए स्याह रंग से, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आँखों को नहीं भाएगा। लेकिन ये पूरी कायनात जो मुतनव्वे है, अगर किसी इंसान को एक रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर इस पूरी कायनात को वही एक रंग होता, जो कुछ भी जहाँ नज़र पड़ती सिर्फ वही एक रंग होता, तो इंसान को अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ने ये पूरी कायनात जो बनाई है वो मुतनव्वे यानी तरह तरह की बहुत सारे उसमें वो रखी हैं, उसमें पूरी कायनात में हर रंग जो अच्छा है, मुमकिन है कि एक कमरे में स्याह रंग बुरा लगे, लेकिन अगर एक पूरी ड्राइंग है, पूरी ड्राइंग में बहुत सारे रंग हैं, वहाँ पर अगर कहीं स्याह रंग कहीं नज़र आता है तो वो स्याह रंग खूबसूरत हो जाता है। यानी एक ड्राइंग में स्याह रंग जो है वो स्याह रंग भी खूबसूरत होता है। स्याही के ज़रिए से भी खूबसूरती पैदा की जाती है। इस तरह ये फ़कत लफ्ज़ों की बात नहीं है, अगर इसको हम एक एक चीज़ को खोला जाएगा इंशाल्लाह, कभी इस बहस को अगर किया जाए तो खोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि मिसाल इंसान एक ज़लज़ला देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, ज़लज़ले में इतने लोग मर गए, इतनी तबाहियाँ हो गई, इतने घर तबाह हो गए, ऐसा हो गया, क्यों हो गया ऐसा, तो उसके एक पहलू को देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि ये कायनात जो काज और इफ़ेक्ट के तौर पर खल्क़ की गई है, बहुत सारी चीज़ें, ज़मीन में गैस मौजूद है, गैस का होना भी इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन में बहुत सारे केमिकल तब्दीलियाँ और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, बहुत सारी इंसानों की ज़रूरतें उसी गैस की बुनियाद पर पैदा होती हैं जो इंसान की अपनी ज़रूरतें हैं। खूब वो गैस जब इकट्ठा होती है तो अगर वो थोड़ा बहुत ज़मीन के कुछ सिलों को हिला देती है तो ज़लज़ला पैदा हो जाता है। वो अगर ज़मीन हिल रही है ये तो वो गैस का होना ज़रूरी था इसके लिए। अगर ये ज़मीन नहीं हिलती, कहीं ज़लज़ला बाद सिलों का नहीं होता, गैस इकट्ठा होती जाती तो पूरी ज़मीन प्रेशर कुकर के तरीके से फट जाती। किसी बुज़ुर्ग की ताबीर ये प्रेशर कुकर के तरीके पूरी, उससे बेहतर ये कि एक जगह कहीं हिल गया। अब यह कि हिल जाए तो उस पर घर क्यों टूट जाते हैं, लोग क्यों मर जाते हैं, खुद उसके लिए इंसान भी कभी कभी खतावार होता है कि क्यों ऐसा इंतज़ाम नहीं करता, हुकूमतें खतावार होती हैं। मसलन जापान जो है वो बिल्कुल ज़लज़ले की पट्टी पर है, बेल्ट पर है, लेकिन वहाँ पर ज़लज़ले आते हैं और तबाहियाँ बहुत कम होती हैं, हलाकतें बहुत कम होती हैं, क्योंकि हुकूमतों ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। तो अगर एक मुनासिब घर बनाया जाए, मुनासिब इंतज़ाम किया जाए तो ज़लज़ला आए भी तो कोई इतना ख़ास असर नहीं होगा। आमतौर से जो ज़लज़ले आते हैं वो इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते, कम रिएक्टेड होते हैं ज़्यादा। ये इसका सारा राह हल बताया गया है। लेकिन अगर इस पूरी कायनात को एक ड्राइंग के तौर पर, एक पेंटिंग के तौर पर देखा जाए तो वो चीज़ें जो हमें स्याह दिख रही हैं और सिर्फ स्याही पर निगाह डाले हुए हैं, अगर पूरी पेंटिंग में और पूरी ड्राइंग में देखें तो वो स्याह चीज़ भी खूबसूरत दिखेगी। अगर इस पूरी कायनात पर नज़र करें तो वो चीज़ भी खूबसूरत नज़र आएगी। इस एतबार से हम यहाँ पर गुफ्तगू को अपने आखिरी मंजिल में लेके जाते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी गुफ्तगू शुरू होगी कि हक़ व बातिल, एक तो पूरी कायनात की बात थी, फिर हक़ व बातिल इंसानी समाज में, इंसानी तारीख़ में, इंसानों के दरमियान में हक़ व बातिल की क्या तकसीम है और इंसान ख़ुद हक़ की तरफ जा रहा है या बातिल की तरफ जा रहा है या दोनों मिला के जा रहा है, या असल में क्या है, उसका अंजाम क्या है और फिर हक़ की तरफ जाने के रास्ते क्या हैं। ये बहस इंशाल्लाह बाद में आपकी खिदमत में शुरू की जाएगी और अर्ज़ की जाएगी। तो ये एक अहम मौजू है जिसकी तरफ ये तौफीक है, पता नहीं बहरहाल कितना उसका हक़ अदा हो पाए। खुदा करे कि माह रमज़ान में ज़्यादा तौफीक और बेहतर तरीके से इसका हक़ अदा हो, ताकि ये पहलू हमारे लिए अच्छे तरीके से रोशन हो सके कि ये पूरी कायनात हक़ की तरफ से है, परवरदिगार की तरफ से है और हक़ है। और उसमें कहीं भी अगर कोई ऐसा पहलू दिख रहा है कि जो इंसान को ज़ाती तौर पर तारीख दिख रहा हो या बातिल नज़र आ रहा हो, तो अगर उस पूरी वसी निगाह से देखा जाए तो वहाँ भी कोई ना कोई हिकमत और कोई ना कोई राज छिपा हुआ है जो बहरहाल इस पूरी खिलकत को हसीन और ख़ूबसूरत बना रहा है। बस तारीफ़ है उस परवरदिगार की कि जिसने इस अजीम कायनात को खल्क़ किया और बेहतरीन खल्क़ किया। सुब्ह रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, बेहतरीन खिलकत उसकी, हसीन खिलकत है। लक़द खलक़ना, अल्लाह ने जो है इंसान को भी हसीन बनाया है और इस पूरी खिलकत को भी हसीन और ख़ूबसूरत बनाया है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि जिस तरीके से उसने इस पूरी कायनात को और हम सब को हसीन बनाया है, हमें भी हक़ पर बाकी रहते हुए और हुस्न इंतखाब के साथ और हुस्न अमल के साथ कामयाबी की तरफ जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि।